Hello friends, welcome to my kitchen, the J Kitchen. Today I'm going to share with you a very interesting American street food, funnel cake. ये specially carnivals या fair में इसे बनाया जाता है. Share करने से पहले request, please like, share, comment and subscribe to my channel. Hit the bell icon so that whenever I upload any new video, you can get the notification. तो चलिए बनाते हैं funnel cake. Let's check out the ingredients. यहाँ देखिए फनल केक के लिए मैंने 200 ग्राम्स ऑल पर्पज फ्लावर मैदा लिया है, 2 एग्स है. नाउ इफ यू आर वेजिटेरियन यू कैन टेक हाफ कप ऑफ कर्ड. सॉल्ट, ऑयल फॉर फ्राइंग, मिल्क, वाटर, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस. ये हम एक सॉस बनाएंगे, स्ट्रॉबेरी सॉस. इसके लिए मैंने चीनी लिया है, शक्कर. यहाँ देखिए मैंने स्ट्रॉबेरीज लिया है. I have cut this into halves. 1 teaspoon of corn flour and powdered sugar or icing sugar for dusting. तो चलिए बनाते हैं. चलिए एक बोल लेंगे, उसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालकर इसको सीव करेंगे. सो इसमें मैं सबसे पहले ये फ्लावर जो है मैदा उसको डालूंगी. मैंने इसमें मैदा डाला है. इसमें हम 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट. सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद हम इसको छान लेंगे, सीव कर लेंगे. देखिए मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लिए हैं. अब इसको एक बार मिला लेते हैं एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉप इन आ एग्स. ये 2 एग लिया मैंने. आप इसकी जगह दही भी डाल सकते हो. हाफ अ कप ऑफ कर्ड यू कैन यूज. इसको डालने के बाद हम मिलाएंगे. टू दिस आई एम गोइंग टू ऐड अ टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस. इसको डालकर अब हम ये जो मिल्क है उसको डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे. को मिलाते जाएंगे एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी. बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए हमें, पोरिंग कंसिस्टेंसी. देखिए इस तरह मैंने इस मग में 1.5 मग्स मिल्क यूज़ किया है. देखिए ये बिल्कुल रेडी है. इसको हम अब 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देते हैं. चलिए गैस में हम पैन रखकर फ्लेम को जलाएंगे. अब हम स्ट्रॉबेरी का एक सिरप बनाएंगे. सो वी गोइंग टू ऐड आवर स्ट्रॉबेरीज. इसी में हम 1, 2, 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर मिलाएंगे. कप ऑफ वाटर, एक छोटा सा. इसको हम 10 मिनट्स के लिए थोड़ा पकने देंगे. देखिए ये 10 मिनट्स के लिए मैंने इसे पका लिया. ये कॉर्नफ्लावर, टीस्पून फुल ऑफ कॉर्नफ्लावर में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी एंड आई एम गोइंग टू मिक्स दिस वेल. एंड इसमें हम ऐड कर देते हैं. थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे एंड आवर स्ट्रॉबेरी सिरप इज रेडी. चेक आउट फ्रेंड्स, आवर स्ट्रॉबेरी सिरप इज रेडी. फ्लेम को हम बंद करेंगे. हाउ ब्यूटिफुल इट इज. देखिए चलिए
अब हम फनल केक को फ्राई करेंगे. सो वी गोइंग टू स्विच ऑन द फ्लेम. इसमें हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को गरम करने के लिए रखते हैं. पोर सम ऑयल. वी नीड टू फ्राई. तो हम थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा हमें ज़रूरत है. देखिए हमारा फनल केक का बैटर इज रेडी. नाउ यू कैन टेक अ फनल. फनल केक है तो फनल ले सकते हो आप. इसके अंदर हम ये बैटर डालकर इस तरह हम बना सकते हैं. और यू कैन टेक अ कोन. आप इस तरह कोन में भी डालकर इसको यहाँ पर कट कर आप बना सकते हो. टुडे आई एम गोइंग टू टेक दिस सॉस डिस्पेंसर. इसमें मैं डालकर इसको बनाऊंगी. तो चलिए हम इसको पोर करते हैं बैटर को इसमें. इधर कंसिस्टेंसी इस तरह होना चाहिए. नॉट वेरी लिक्विडी एंड नॉट वेरी थिन. तो हम इसमें डालेंगे इसको. देखिए ऑयल बिल्कुल गर्म है. अब इसमें हमें पोर करूंगी लाइक अ जलेबी. ये हमारा इंडियन जलेबी जैसा है उस तरह हमें पोर करना. कोई डिज़ाइन स्पेशली नहीं चाहिए. जिस भी तरह से आपको चाहिए उस तरह आप इसको डाल सकते. Just keep on moving. देखिए this is the way funnel cake is made. अब एक तरफ पकने के बाद हम उसको flip करेंगे. देखिए एक तरफ पक चुका है. अब हम इसको flip कर लेंगे. देखिए it's looking so beautiful. देखिए इसके flip कर दिया मैंने. दोनों तरफ अच्छी तरह से हम इसे पका लेंगे. ये दोनों तरफ अच्छी तरह से पक चुका है. सो वी गोइंग टू टेक दिस आउट. इसको हम निकाल लेंगे. चेक आउट. ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका हुआ. इसको हम निकाल लेंगे. इस तरह हम और बाकी सारे भी फनल केक बना लेंगे. देखिए ये भी पक चुका है एक तरफ. वी गोइंग टू फ्लिप द अदर साइड. इसको भी हम पकने के लिए रखते हैं. चेक आउट. इट्स कुक बोथ साइड्स. देखिए अच्छी तरह से पक चुका है. कैन यू सी बोथ द साइड्स. चलिए इसको हम निकाल लेंगे. चेकआउट फ्रेंड्स. देखिए हमारा फनल केक रेडी है. अब इसके ऊपर मैं ये डस्ट करूँगी. आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हो या नॉर्मल शुगर आप उसको पाउडर करके यूज़ कर सकते हो. सो लेट्स डस्ट इट. अब मैं इसको सर्व करूँगी. सो आई विल टेक वन एंड इसके ऊपर हम जो स्ट्रॉबेरी सिरप बनाए हैं आई एम गोइंग टू पुट दिस. इसके ऊपर ये थोड़ा सा यू कैन यूज व्हिप्ड क्रीम और आइसक्रीम ऑल्सो. चेक आउट फ्रेंड्स. Our funnel cake is ready. Please do try out this recipe. Keep watching, keep cooking. Thank you.